बताते हैं किस तरह फेसबुक का मोनेटाइजिंग इनेबल करते हैं, आपको एड्स अनरील को कैसे इनेबल करते हैं, सारा प्रक्रिया इस वीडियो में मिलने वाली है फेसबुक पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि फेसबुक पर आप कैसे अपना एड्स अनरील को आप इनेबल कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। ये सारा प्रक्रिया इस वीडियो में मिलने वाली है। सो गाइज, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं कैसा लगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर आ जाना है। तो फेसबुक पेज या प्रोफाइल का सेम ही सेटिंग है जिसको आपको सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग हैं तो उसमें से आपको मोनेटाइज वाला सेटिंग करनी है। चलिए मैं आपको अपने पेज पर चल के आपको मोनेटाइज करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नया नया पेज को बनाया हूँ फेसबुक का। मैं इसे मोनेटाइज करके आपको दिखाता हूँ एड्स अनरील को या बोनस का और आपको स्टार का जो भी है सारा सेटअप आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको आ जाना है अपने यहाँ पर, अपने चैनल का URL कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी जब कर लेंगे तो आपको फिर बैक आनी है। बैक आने के बाद यहाँ आपको सी डैशबोर्ड को टच करना है। चलिए सी डैशबोर्ड को मैं टच करके आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ से आपका सी डैशबोर्ड जब टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। चलिए मैं नीचे जाता हूँ। इसे नीचे सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोनेटाइज का, मोनेटाइज और यहाँ पर एड्स अनरील का। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सेटिंग है कंटेंट ऑडियंस का। यहाँ पर आपको मोनेटाइज वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा नेट, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए खुल के आ गया। यहाँ पे आपका स्टार हो गया, यहाँ पे बोनस हो गया, इसके बाद एड्स अनरील हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। तो मुझे एड्स अनरील को ओपन करना है। इस तरह ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लर्न मोर पर आपको टिक करना है। तो चलिए मैं लर्न मोर पर टिक किया। यहाँ पर टिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह खुल के आएगा। थोड़ा ये प्रोसेस ले रहा है नेट के वजह से, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए ये ब्लू वाला, इसे आपको टिक करना है। तो चलिए मैं इसे टिक करके आपके सामने दिखाता हूँ। ये ब्लू वाला आपको टिक करना है। टिक करेंगे तो इस तरह खुल के आएगा। तो इस तरह खुल गया। यहाँ स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जीमेल मांग रहा है, और जो आपने कॉपी पेस्ट किया था फेसबुक का अपने लिंक का, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले जीमेल अपना डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे वो जो कॉपी मैंने किया था उसको डाल दिया यहाँ पे। अदरवाइज आपका कोई सोशल मीडिया लिंक है तो उसे भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दें इसे। इस तरह करने के बाद इसे डन करें। इसके बाद ओके आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपसे सेटिंग कर देनी है। इसके बाद आप बारी बारी से जितने भी वहाँ नीचे टूल दिखाई दे रहे हैं सब पे आपको जीमेल और अपना ये फेसबुक का URL और अदरवाइज लिंक कोई है तो उसको डाल सकते हैं। ये सारा सबमिट यहीं पे करना है, तो आप इसको सारा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बारी बारी से इसको सब फिलअप करने के बाद, आपका प्रोसेस पूरा होने के बाद, आगे आपको इसमें सेटिंग एक और मिलेगी जिससे आपका मोनेटाइज इनेबल होगा। तो आपको मोनेटाइज करने के लिए पहले क्राइटेरिया था कि आपको इतना व्यू चाहिए, बहुत क्राइटेरिया इसमें पूरा था, जिसे आपको ये सब दिक्कत अब करना नहीं है। आपको सीधे आपको ये सब फिलअप करने के बाद खुद ही फेसबुक आपको मोनेटाइज करके देगा। और इसमें बहुत सारे बंदे इसमें इसको कर रहे हैं, तो आपका जिस नंबर पे भी रहेगा, जैसे मोनेटाइज वाले टूल्स पे आ गया, अगर फेसबुक आप इसी को चेक करके और देखता है तो आपका फेसबुक को मोनेटाइज कर देगा। इस तरह फेसबुक का एल्गोरिथम आपको सारा इस चेक करता है कि आदमी का फेस वैल्यू है, खुद का कंटेंट होना चाहिए, खुद का फेस वैल्यू होना चाहिए। और अपना खुद का रील अगर बना रहे हैं तो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो इससे कोई मतलब नहीं है, खुद का आपका फेस वैल्यू रहेगा तो फेसबुक इसे चेक करता है। फेसबुक एल्गोरिथम इसे चेक करेगा और आपके फेसबुक को मोनेटाइज करेगा। तो पहले का जैसा क्राइटेरिया इसमें पूरा नहीं करना है गाइज, आपको सिर्फ़ अपना फेस वैल्यू करके, वॉइस ओवर करके आपको रील बनानी है या आप लॉन्ग वीडियो बनाना है। इसी तरह सेम प्रोसेस है। आप लर्न मोर पे जाएंगे, फिर वही मोनेटाइज वाला टूल से आएगा, फिर यहीं पे आपको एग्री पे आना है, यहाँ पे ब्लू टिक पे। उसके बाद आपको सारा यहाँ पे फिलअप फिर दोबारा करना है। तो जितना भी यहाँ बोनस वोनस जितना भी दिखाई दे रहा है आपको सारा प्रोसेस इसी तरह करना है। और इसमें
प्रोसेस में करने के बाद आपको सारा फिलअप यहीं से कर देनी है। तो आप इसे कर देंगे तो आपका आसानी से मोनेटाइज इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा, मैं दोबारा यहाँ पे आप डाल रहा हूँ, फिर वही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह आप अपने फेसबुक को मोनेटाइज कर देंगे तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। फेस वैल्यू अपना रखें और आप इसे मोनेटाइज कर सकते हैं। सो गाइज, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।